गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कोड फ्री में आपको मिलेगा। फ्री में मैंने बताया मैंने कैसे करके अर्न किया, वो पूरी हिस्ट्री पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कोड के बारे में। जो इसके बारे में जानने के बाद आप गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कोड हमेशा गेम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए परचेज नहीं करना चाहेंगे, एकदम फ्री में लेंगे। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक। पहले आप अपने कोई भी ब्राउजर में चले जाएँ, वहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च करें, क्या सर्च करना है, गेट कोड अस, ठीक है, या गेट कोड अस GET गेट, ठीक है, GET गेट कोड, ठीक है, GET गेट, उसके बाद कोड CODE, ठीक है, CODE गेट कोड डॉट अस या गेट कोड अस, ठीक है, गेट कोड अस लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च कर देना, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो गेट कोड अस जहाँ आप सर्च करेंगे तुरंत तुरंत आपको क्या हो जाएगी, या अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखकर चली जाएगी जहाँ पर आपको दिखाएगी गेट कोड अस, ठीक है, गेट कोड अस का, ठीक है, गेट कोड अस का, ठीक है, गेट कोड का, गेट कोड अस का आपकी डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखकर जाएगी। उसके बाद आप गेट कोड डॉट अस पर आप चले जाएंगे, ओरिजिनल वेबसाइट है गेट कोड डॉट अस, यानी गिफ्ट गिफ्ट कोड है लेकिन यहाँ पे है गेट कोड डॉट अस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करते के साथ ही यहाँ डायरेक्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चली जाती है, जहाँ पे हमेशा ही कोड हमेशा चलते रहते हैं, जिसमें $50, $10 एंड $25 के हमेशा ही कोड इसमें चलते रहते हैं जो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के जो भी गिफ्ट कार्ड होते हैं वो सभी के सभी गिफ्ट कार्ड यहाँ पे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को प्ले स्टोर को लेना रहता है, तो सबसे पहले हम लोग को प्ले स्टोर पर क्लिक करना होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर गेट योर गिफ्ट कार्ड नाउ पर क्लिक करना होता है, ठीक है। ये क्लिक होने के बाद आपको डायरेक्ट ही क्या करना होता है कि यह डायरेक्ट ही आपको गेट कोड यहाँ पे थोड़ी सी सर्च लेता है, उसके बाद डायरेक्ट ही हम लोग को यहाँ पे दिखाते हैं $10, $25 एंड $50। दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको $25 का मैं यहाँ पे गिफ्ट कार्ड देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर डायरेक्ट चल जाना है रेड मोर के आगे नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ पर $10, $25 एंड $50 दिख रहा है। सबसे पहले मैं $10 का दिखा दूँ, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही कनेक्टिंग करेगा, फिर जनरेटिंग करेगा, फिर कंप्लीट कर देगा, यह आपका कोड तुरंत तुरंत कंप्लीट हो जाता है आपके कोड आपके मोबाइल में। और इस कोड का उपयोग करके आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी कुछ भी परचेज करना चाहे ऑनलाइन में तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये सभी के सभी कोड क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, 16 अंक के जो भी कोड होते हैं वो सब कुछ जनरेट होते हैं। जनरेट होने की सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है कि ये सभी जो भी यहाँ पे क्विज चलते हैं, ये इन सभी क्विजों को आपको क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे आपको जो क्विज कंप्लीट करने होते हैं तो यहाँ पे लिखा रहता है कैन यू कम्प्लीट दिस क्विज, आप यहाँ से डायरेक्ट कम्प्लीट करेंगे तो यह आपके डायरेक्ट ही आपके लिए लेकर चल जाएगा। यहाँ पर इंस्टॉल एप्लीकेशन है, फिर यहाँ यूट्यूब के लिए है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कम्प्लीट के लिए ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर ऑप्शन जाने के बाद यह डायरेक्ट करेगा प्लीज़ क्लिक हियर इफ़ यू आर डू नॉट रिकॉग्नाइज, या ऑटोमेटिक लेकर चल जाता है क्विज दिया डॉट कॉम पे, और ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है, यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप नीचे चलते चले जाएंगे, और नीचे चले जाने के बाद ही आपको डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट क्विज पर क्लिक करना होता है। स्टार्ट क्विज पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आपको दिखाएगा तीन ऑप्शन, इनमें तीनों में से कौन सा अलग है, इनमें से कोई भी अलग नहीं है, तो उसके करेंगे दे आर आल सम, तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्विज आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्विज के लिए यहाँ पे आगे नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट हो जाएगा। फिर इसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा अलग है, तो इनमें से कौन सा अलग है आपको दिख रहा है, बी वाला आंसर क्या है सही है, तो इसमें जाके यहाँ पे बी पर क्लिक करना होता है। उसके बाद जाके यहाँ पे आपको डायरेक्ट या नेक्स्ट पर ऑटोमेटिकली कर चले जाता है। इसी प्रकार हम लोग अपने सभी क्विजों को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करते करते के साथ ही हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे कि हम लोगों के पास जो क्विज आती है तो वो सब कुछ क्या होती है, हम लोग ये पास कर देते हैं। जैसे 20 क्विज आती हैं, 20 क्विजों को जब हम लोगों ने पास कर देते हैं तो उसके बाद ही हम लोग को डायरेक्ट हम लोग की तुरंत तुरंत गिफ्ट कार्ड कोड हम लोग को तुरंत तुरंत मिल जाता है, और इसमें हम लोग को किसी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं होती है। हम लोग सभी क्विजों का आंसर ऐसे ही देते चले जाएंगे, अपने क्विजों का आंसर इसमें देखते देखते कि कौन से क्विज का कौन सा आंसर होगा, और जो क्वेश्चन का आंसर होगा उन सभी क्वेश्चन का आंसर का आपको तुरंत तुरंत क्या करना होता है, देना होता है। तो ये सभी का आपको खुद आपको देखना होता है। जब ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट ही आपको क्या किया जाता है, तुरंत तुरंत आगे की तरफ भेजा जाता है प्रोसेस के लिए।
क्या प्रोसेस हो जाएगी इसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें से क्या अलग है, तो इनमें से कोई भी अलग नहीं है। तो आल दे आर आल द सेम, यानी सब कुछ सेम है, एक कोई भी अलग नहीं है। ये हमेशा क्विज हमेशा चेंज होते रहते हैं और इन क्विजों का आंसर आपको देना होता है, यहाँ पे नेक्स्ट करना होता है। क्विज जब सभी सभी क्वेश्चन के आंसर आप देख लेंगे, इसमें सी वाला अलग है, तो इसमें जो भी आप क्विज का आंसर दे देंगे तो उसके बाद आप डायरेक्ट ही अपनी डायरेक्ट ही आपको यहाँ पर तुरंत तुरंत आपके कोड को तुरंत तुरंत दे देता है। और ये कोड जहाँ तुरंत आपको दे देता है तो तुरंत तुरंत आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 8 क्वेश्चन आपने दे दिया 15 में, यहाँ पे कौन सा क्विज जो अलग है वो आपको बताना होता है। जो अगर आपने बता दिया तो आपका तो सही हो जाएगा, अगर जो नहीं बता पाता है क्विज के बारे में, गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कोड के बारे में, वो यहाँ पे गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कोड परचेज नहीं कर पाता है। यहाँ पे ए बी सी करके ऑप्शन आए थे जिनमें तीनों एक ही जैसे हैं, तो दे आर ऑल ऑफ द सेम, इनमें से सभी के सभी सेम है। इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे पुनः अगले वाले क्विज पर चले जाएंगे 10वें नंबर पे। ये तीनों के तीनों सेम हैं जिसमें से सी वाला अलग है, ठीक है, तो सी वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जाके हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट क्विज पे पड़ जाएंगे, यहाँ पे क्विज पर आने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ये नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद हमने इनमें तीनों में हम लोग को देखना है तीनों सेम हैं, तो तीनों पे सेम पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डायरेक्ट आगे आपकी प्रोसेस आ जाएगी, तो इसके अगला प्रोसेस जो होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहेगा, एकदम ध्यान से देखते रहेगा, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को यहाँ तक देख लिया तो यहाँ पर एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है, और लाइक करके यहाँ पर क्या कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कोड को अपने मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं अर्न करते हैं। और ये सभी अर्न करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। हम लोगों ने 13 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पहुंच गए हैं और बस हम लोग का क्वेश्चन बस पहुंचने ही वाला है, और जल्दी से हम लोग अपनी तुरंत तुरंत हम लोग $50 $25 के पास में हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग का ए बी सी करके ऑप्शन है, इनमें से कौन सा अलग है, ये तीनों सेम है, तो यहाँ पर दे आर ऑल द सेम, ये सभी के सभी सेम हो गए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को आगे बढ़ जाएंगे फिर एक और नेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट पर हम लोगों ने क्लिक किया, ये 15 नंबर है, तो ये सभी तीनों के तीनों एक जैसे ही हैं, तो आल दे आर आल सेम, यानी ये सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया तो ये डायरेक्ट ही हम लोग को यहाँ से डायरेक्ट क्या करता है, एक कोड हम लोग को दे देता है। यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट हो जाएगा, वी आर कलेक्टिंग योर रिजल्ट स्क्रॉल डाउन टू प्रोसेस्ड, यानी यहाँ पे स्क्रॉल डाउन टू प्रोसेस, यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन योर स्कोर इज 33%, यानी हमारा स्कोर 33% है, उनमें से आपने ट्राई अगेन, यानी आपको इससे और अत्यधिक वेस्ट करना होगा। जब आप इसे अत्यधिक वेस्ट करेंगे आपके क्वेश्चन सभी के सभी सही होगा तो आपको तुरंत तुरंत कोड मिल जाता है। और मैंने इस प्रकार करके बहुत सारे कोड को मैंने क्या किया, अर्न भी किया, और मैंने क्विज को भी प्राप्त किया, और मैंने इसे के लिए क्या किया, बहुत ज़्यादा पैसा भी अर्न कर लिया, ठीक है। तो वो मैं आपको पैसे भी दिखा दूँ कितना मैंने अर्न किया है। तो यहाँ पे मेरे दिखाई दे रहा है जो कोड है जो मैंने अपने मोबाइल में, अभी 8 बजे, अभी तुरंत अभी 8 बज रहे हैं इस टाइम, मेरे मोबाइल 55% चार्ज है, मैंने अभी अर्न किया है $1,098 और $0.13 मैंने अर्न कर लिया। अब मैं इसे अपने इंडियन रुपीज़ में या मैं अपने किसी भी रूप में अपने मोबाइल में हम मैं क्या कर सकता हूँ, इसे यूज़ कर सकता हूँ। मैंने $25 का मैंने गिफ्ट कार्ड कोड ऐसे ही मैंने क्विज खेल के मैंने प्राप्त किया है। आप में से जो व्यूअर इसे देख रहा है इस वीडियो को यहाँ तक, तो वह इस कोड को अर्न करके अपने प्ले स्टोर में यूज करे, उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ कि दोस्त आपको यह वीडियो पसंद आई है और आपने गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कोड को कैसे अर्न करें और कैसे जानकारी प्राप्त करें इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इसके बाद आप गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कोड को अपने घर पर भी उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर इसके बाद भी अगर आपके पास गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड के बारे में अगर नहीं जानकारी प्राप्त हो पा रही है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कोड, एक नया गिफ्ट कार्ड कोड पर्सनल सिर्फ और सिर्फ आपको ही दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।